पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सराफा व्यवसायी के यहां डकैती की घटना। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग की। कार्य करने वाले अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल, मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ। उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर की वाइट। सर, कैसे घटना है, क्या है पूरा मामला? जो प्राथमिक सूचना मिली है, आज रात करीब 3-3:30 बजे के आसपास 3 ऐसे लोग संदिग्ध मिले, इसके बारे में सूचना थी। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग की, उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। 3 लोग उसमें गिरफ्तार हुए, उनको गोली लगी। तीनों का नाम क्रमशः त्रिभुवन, पुष्पेंद्र और सचिन है। प्रथम दृष्टया जहाँ तक पता चल रहा है, ये वही 3 लोग हैं जो कुछ दिन पहले थाना कोतवाली नगर में शराफा ज्वेलर्स के वहाँ पर जो डकैती हुई थी उसमें संबंधित है। इस संबंध में उनके प्राथमिक उपचार किया गया है। अभी फर्दर बातचीत और पूछताछ जारी है, जैसे बाकी डिटेल्स मिलते हैं आपको मैं तुरंत अवगत करवाता हूँ। कितने बेपनाह हो, क्या मुठभेड़ में पकड़े गए, कोई सिपाही भी घायल? ये हमारे एक जवान भी इसमें घायल, सिपाही घायल है, जिनका भी इलाज चल रहा है। जैसे मैं बताया हूँ, अभी जस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, जैसे थोड़ा स्टेबल होते हैं हम उससे पूछताछ करेंगे और आगे जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।